सरकार में मोहन यादव ने सरकार को एक सुझाव दिया था जिसे सरकार ने अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही मोहन यादव ने अपने उसी सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया है और सरकार के एक विभाग का पता बदलने की तैयारी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग यह वह विभाग है जो हर सरकार में चर्चा में रहता है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों से लेकर बड़े कार्यक्रमों के आयोजन तक इस विभाग की चर्चा होती है, लेकिन यह विभाग पिछली 3 सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह विभाग के नाम बदलने के साथ सरकारों के खुद की धार्मिक छवि को चमकाना रहा है। कमलनाथ के सत्ता से जाने पर शिवराज ने प्रदेश की कमान संभालते ही फिर से आनंद विभाग का गठन किया और आध्यात्मिक विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया, लेकिन अब विभाग का पता ही बदलने की तैयारी है। मोहन यादव ने धार्मिक न्यास व धार्मिक विभाग का संचालन भोपाल से उज्जैन शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल खबर यह भी है कि मोहन यादव ने मंत्री रहते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार को सुझाव दिया था कि उज्जैन में मंदिर सबसे ज्यादा हैं और धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का डायरेक्टरेट उज्जैन में होना चाहिए। तब अफसरों ने अव्यवहारिक दिक्कत बताते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन अब मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस विभाग को उज्जैन शिफ्ट करने की मंजूरी हो गई है। धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग का सालाना बजट 100 करोड़ रुपए होता है। यह बजट हर साल बढ़ता है। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंह से पहले मोहन यादव का यह कदम बहुत बड़ा माना जा रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।